हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपको हिंदी सिनेमा के ऑफिशियल पुलिस वाले जगदीश राज के बारे में जानकारी देते हैं। उनकी मौत से जुड़ा एक सच भी आपको पता लगेगा। पुलिस ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है, भलाई इसी में है कि तुम सरेंडर कर दो। पुरानी हिंदी फिल्मों में अगर ये डायलॉग सुनाई पड़ता था तो बस दो ही अभिनेताओं की छवि सामने आती थी। पहले थे इफ्तिखार और दूसरे जगदीश राज, जिनको बॉलीवुड का आधिकारिक पुलिस वाले का खिताब मिला हुआ था। इनका पूरा नाम जगदीश राज खुराना था। 1928 को सरगोधा में जगदीश राज जन्मे थे। ये इलाका अब पाकिस्तान में है। जगदीश राज हिंदी सिनेमा में पुलिस वाले नहीं, हीरो बनने के लिए आए थे। एक आध फिल्म में हीरो भी बने मगर चले नहीं। वैसे इनके पुलिस वाला बनने के पीछे का किस्सा मजेदार है। उस समय अभिनेता फिल्मों में विलेन के छोटे मोटे रोल किया करते थे। हुआ यूं कि 1960 में हॉलीवुड डायरेक्टर हार्वी वुड इंडिया आए और इनको पुलिस वाले के रोल के लिए सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद से तो हिंदी फिल्म में पुलिस वाला मतलब जगदीश राज। 60, 70 और 80 के दशक की हर दूसरी फिल्म में अगर पुलिस वाले का रोल होता तो डायरेक्टर पहले ही इनका नाम लिख देता था। एक बार जगदीश राज ने इंटरव्यू में हैरानी जताई थी कि पता नहीं उनको पुलिस वाले के रोल में ही लोग क्यों पसंद करने लगे थे। 20 साल बाद जब इनकी मुलाकात एक सेट पर दोबारा हार्वी वुड से हुई और उन्होंने जगदीश को वर्दी में देखा तो हैरान हो गए। हार्वी ने पूछा, तुम अब तक वर्दी में हो? तो जगदीश राज ने अपनी फिल्मों के नाम गिना दिए जिनमें वो पुलिस वाला बने थे। हॉलीवुड डायरेक्टर ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम को मुंबई भेजा और जांच पड़ताल के बाद जगदीश राज का नाम सबसे ज्यादा एक जैसे रोल करने वाले अभिनेता के रूप में आज भी दर्ज है। इन्होंने 144 फिल्मों में पुलिस वाले का रोल किया था। उनकी बेटी अनीता राज ने भी एक किस्सा सुनाया था। अनीता ने बताया था कि पापा को पुलिस वाले के इतने रोल मिला करते थे कि उन्होंने एक वर्दी ही सिलवा ली थी। घर पर उस वर्दी को हमेशा प्रेस करके रखा जाता था। जैसे ही डायरेक्टर का फोन आता, पापा रोल पूछे बिना फौरन वर्दी पहनकर चले जाते। उनको पता होता था कि रोल पुलिस वाले का ही होगा। जगदीश राज ने कई फिल्मों में काम किया जिनमें गैम्बलर, काला बाजार, दो चोर, सिलसिला, नसीब, बेवफा सनम, दीवार, डॉन, शक्ति, मजदूर समेत कई फिल्में शामिल हैं। दोस्तों, जगदीश राज की मौत से जुड़ा एक सच हम आपको बताने जा रहे हैं। उनके बारे में अफवाह है कि वो चेन स्मोकर थे जिससे उनकी मौत हो गई थी, जबकि ये बात पूरी तरह झूठी है। जगदीश राज सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया करते थे। ये अफवाह इसलिए फैलाई गई क्योंकि सांस की दिक्कत की वजह से उनकी मौत हुई थी। असल में जगदीश राज की मौत 85 साल में हुई थी। उनको सांस की समस्या मरने से 3 साल पहले ही हुई थी। उम्र की वजह से उनके फेफड़े कमजोर हो गए थे। उनके दामाद ने बताया था कि मौत से 2 साल पहले वो काफी तकलीफ में थे। एक पैर घर पर तो दूसरा अस्पताल में रहता था। 28 जुलाई 2013 के दिन अचानक उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। वो सांस ही नहीं ले पाए और उनकी मौत हो गई। दोस्तों, पुलिस वाले के रोल में आपको इफ्तिखार ज्यादा पसंद थे या जगदीश राज, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।